Good morning to all of you. How are you all? I hope you all are well. So without any further delay, let's start the video. In this video, as you know very well, I was explaining the poem and two stanzas have been completed and two are there which are left. So in this poem, the Psalm of Life, composed by H.W. Longfellow. Now let's start. And first of all, before starting, I am going to give you some hard words, some difficult words, so that you could understand the poem very easily. So firstly, we will mark the hard words, difficult words. सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कठिन शब्दों को निकालेंगे इसमें से, which are the difficult words. So there are up to here we have studied. Up to here we have studied. Now we should start from here. In the world's broad field of battle, broad means wide, field of battle, war area, field of battle, war area. In the bivouac of life, bivouac means होता है a temporary stay, or you can say a temporary camp of life. Be not like dumb means होता है unable to speak, means गूंगा. तो यहाँ पे broad means होता है चौड़ा, field of battle means होता है युद्ध भूमि या रण क्षेत्र, और उसके बाद में bivouac means होता है temporary stay, means होता है एक अस्थायी पड़ाव. उसके बाद में be not dumb means होता है गूंगा, और कैटल मीन्स होते हैं जानवर, जो चौपाए होते हैं उनको कैटल्स बोलते हैं. बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स होता है स्ट्रगल, संघर्ष करना. लेट अस ओके, हाँ ये इतना हमको ये स्टेंजा पढ़ना है केवल. सो इन वर्ड्स जो हमने बताए हैं इनको आप पहले तो लिख लीजिए, और ये स्टेंजा कवर करेंगे हम लोग आज. This one. So in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driving cattle, be a hero in the strife. Now the poet is telling that he is comparing this world to the battlefield. वो इस दुनिया को battlefield यानी युद्ध के भूमि से क्या कर रहा है, compare कर रहा है. And he is advising or he advises us how we should lead our life in this world. How should we lead our life in this world? कि हम लोग इस दुनिया में अपना जीवन कैसे निर्वाह करें, अपने जीवन का निर्वाह कैसे करें. He is suggesting us something like that. And when he is comparing, जब वो compare कर रहा है इस दुनिया को, इस पूरी दुनिया को, संसार को, एक युद्ध क्षेत्र से, तो साथ ही साथ में वो क्या कह रहा है, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, कि ये जो हमारा जीवन है ये क्षणिक है, अर्थात अ टेम्परेरी स्टे. ये बिवॉक मतलब क्या होता है, टेम्परेरी स्टे. हमारा जो जीवन है वो इस युद्ध भूमि में, रण क्षेत्र में, एक टेम्परेरी स्टे यानी थोड़े समय का जीवन है, बहुत ही छोटा है. बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, सो हमें शुड नॉट बी लाइक डम ड्राइविंग कैटल, वी शुड नॉट बी लाइक एनिमल्स विच आर ड्राइविंग बाई अदर्स, कि हमें जानवरों की तरह नहीं रहना है, यहाँ जीवित नहीं रहना है, जिनको दूसरे लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ पर हाँक ले जाते हैं. मीन्स इन इन दिस स्मॉल टाइम विच वी हैव इन द लाइफ, वी हैव अ वेरी लिटिल टाइम, हमारे पास जो जीवन में बहुत ही छोटा सा टाइम है, बहुत ही शॉर्ट टाइम है, विच इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स. बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, तो हमें इस स्ट्रगलिंग जीवन में, संघर्ष भरे जीवन में हमको क्या बनना है, कैसे एक्ट करना है, लाइक अ हीरो, एक हीरो, एक साहसी योद्धा की तरह हमको इसमें एक्ट करना है, काम करना है. सो Everyone has to fight his own battle. अब अपनी अपनी ज़िंदगी में सभी को अपने अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है, क्योंकि life is full of struggles. और and the people have to live and fight their battles within the
दिस लिटिल टाइम, हमारे पास जो जीवन का छोटा सा समय मिला हुआ है, इसी समय में हमको अपने इस जीवन से जो जंग लड़नी है, संघर्ष करना है. सो वी शुड नॉट लाइक डम्ब कैटल विच आर गाइडेड बाय अदर्स. तो हमें जानवरों की तरह बिल्कुल गूंगा बहरा हमें नहीं होना है कि जो जानवर जैसे होते हैं उनको जिधर हाँकते हैं लोग उधर वो चले जाते हैं. नहीं, हमको ईश्वर ने आँखें दी हैं, दिमाग दिया है सोचने के लिए, तो हमको कैसे अपने आँखों से देखना है और दिमाग से सोचना है, जो सही है हमको वो करना है. ओके, वी हैव अवर ओन सेंसेस, हमारे पास अपनी खुद की क्या हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं. वी हैव टू यूज़ दिस सेंसेस, हमको इन्हीं ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करना है. सो वी शुड एक्ट लाइक ब्रेव हीरोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज. तो हमको जब भी कभी भी हमारे ऊपर कुछ कठिन समय आता है तो हमको कैसे वर्क करना है, अपने हमको वर्क करना है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक ऐसा नायक जो बहुत ही साहसी नायक होता है लड़ाई में, जो लड़ाई होती है उसके मैदान में जो योद्धा होता है, ब्रेव होता है, बहुत बहादुर होता है, वो बहादुरी से लड़ता है. ऐसे ही हमको भी अपनी लाइफ, अपने जीवन का जो संघर्ष है, इसको बहादुरी से इसका सामना करना है. बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, हमको बिल्कुल एक साहसी नायक की तरह सामना करना है. बिकॉज दिस लाइफ, दिस पाम ऑफ लाइफ, वेरी लिटिल टाइम विच इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप. सो एट द टाइम ऑफ स्ट्रगल, एट द टाइम ऑफ हार्डशिप, वी हैव टू फेस दिस टाइम विद वेरी ब्रेवरी. सो पोएट जो है वो कहने की कोशिश करता है, इसमें बता रहा है कि हमको इतना भी कठिन समय आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए लाइफ में, कितना भी संघर्ष करना पड़े, हमको कैसे करना है, बहुत ही बहादुरी के साथ करना है, बिल्कुल उस योद्धा के समान जो रणभूमि में, रण क्षेत्र में अपनी लड़ाई में, अपने संघर्ष में बहुत ही बहादुरी के साथ में लड़ता है. बस हमको भी अपने जीवन का ऐसे ही डटके कठिनाइयों का सामना करना है, क्योंकि ये जीवन जो है वो बहुत ही छोटा सा है. और ये जो अगर दुनिया को हमने मान लिया क्या है, एक बैटल फील्ड है, युद्ध है, युद्ध का क्षेत्र है, तो हमारा जीवन इस युद्ध के क्षेत्र में, जो हमारी लाइफ, जो ज़िंदगी है, वो क्या है, विवेक. विवेक मतलब क्या है, बहुत ही छोटा सा टेम्परेरी स्टे है, बहुत ही छोटा सा यहाँ पर हमको टाइम मिला है, यानी कि लाइफ हमारी क्षणिक है, बहुत ही कम है. सो इस लाइफ में हमको बिल्कुल पशुओं के समान हमको व्यवहार नहीं करना है, बल्कि ईश्वर ने हमको जो ज्ञानेंद्रियाँ दी हैं, हमें उनका इस्तेमाल करके, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करना है, और अपने कठिन समय में हमें खुद ही बहादुरी के साथ अपनी कठिनाइयों का सामना करना है. ओके, सो आई थिंक दिस स्टेंजा इज क्लियर. नाउ ओनली वन स्टेंजा इज लेफ्ट. ओके, नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो. सो टिल देन आई थिंक it's enough. So if you have any problem, so you can ask me your questions. Okay, till then, goodbye and have a nice day.